अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका प्यारा दोस्त तारिक महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीपी स्पोर्ट्स। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली मरतबा आ रहे हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को दोबारा ना भूलिए ताकि आने वाले तमाम लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके आप तक आसानी तक। सबसे पहले तमाम भाइयों को, मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक और खुशी का दिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो 24 साल दौरा है बाकायदा आगाज हो गया है और पहले टेस्ट मैच जो है रावलपिंडी में इस वक्त जारी है। बड़ा ही जबरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त। देखा जाए तो पाकिस्तान ने पहले बैट टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। शुरू में लग नहीं रहा कि शौकीन क्रिकेट इतना आ जाएंगे, लेकिन जू जू वक्त गुजरता जा रहा है नेशनल स्टेडियम रावलपिंडी नेशनल स्टेडियम जो अपनी आप उताब से आवाम के शौकीन क्रिकेट से भरता जा रहा है। और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हो रही है पूरे में टेस्ट मैच के अंदर स्टेडियम फुल भर रहा है ताकि ऑस्ट्रेलिया टीम जो आई है उनको अच्छा पैगाम जाए और साबित करे हम के पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान के जो आवाम है पाकिस्तान के लोग हैं ये क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो लास्ट अपडेट जो अभी तक फाइनल आई है, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और जो है इमामुल्लाह को 50 रन कर चुके हैं नॉट आउट है और उसके बाद 40 रन बनाकर नॉट आउट है। अब्दुल्ला शफीक बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं और 100 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, अभी तक कोई खिलाड़ी उनका आउट नहीं हुआ तो ये बहुत अच्छा साइन है। उसके बाद देखा जाए तो एक बुरी खबर भी आई थी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर थे उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, मैं आपको मेंशन कर दूंगा बाद में पूछ के कंफर्म करके, वो जो है इंतकाल कर गए हैं। तो उनकी वजह से कुछ सोशल मीडिया मुझे देखने में आ रहा था कि काली पट्टियां क्यों बांधी हुई है ऑस्ट्रेलिया टीम ने, हमारे शौकीन क्रिकेट बार बार ये क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे भी 2-3 मरतबा काले आई है कि ये क्यों जो है पट्टियां इन्होंने बांधी हुई। तो जी हाँ दोस्तों, वो इसलिए पट्टियां बांधी हुई थी, वो जो है उनका जो ऑस्ट्रेलिया जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर था वो इंतकाल कर गया है, उनके इजहार ताज़ियत के लिए गम में जो उन्होंने जो है पट्टी बांधी हुई थी। तो और कोई ऐसा मसला नहीं था, शायद हमारे शौकीन क्रिकेट की और सोच रहे हो लग रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ उसी वजह से ये काम हो रहा था। और जब 24 साल पर ऑस्ट्रेलिया की टीम नेशनल स्टेडियम रावलपिंडी के अंदर मौजूद थी और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का तराना नेशन एथम चलाया गया तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग लम्हा थे। उस वक्त कुछ मैच देख रहा था जब टीवी के ऊपर तो शौकीन क्रिकेट की आंखों में आंसू आ रहे थे, बहुत ही जबरदस्त आउटस्टैंडिंग लम्हात थे वो, बहुत जबरदस्त। तो हम लोग जो है शौकीन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी सपोर्ट कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए क्योंकि मेहमान टीम है, उसका इस्तकबाल भी सीधा करना चाहिए और उनके नए ख्वाहिशात के इजहार के भी जो है बैनर उन्होंने लगाए हुए थे, बहुत जबरदस्त और अच्छी खुशखबरी है कि ये चीज जा रही है। और उसके बाद अंडर जो है क्या कहते हैं ये लीग जो है इसके बाद दूसरा जो टेस्ट मैच होने जा रहा है वो कराची के अंदर होने जा रहा है। देखना चाहिए कराची इस वक्त जो स्टेडियम है वो किस सूरत हाल से गुजरता है कि कितने आवाम वहाँ क्राउड आ सकता है। इस वक्त जो नेशनल स्टेडियम रावलपिंडी के अंदर 100% जो है क्राउड की इजाजत थी, कराची के अंदर कोरोना की वजह से सही नहीं है तो जिस वजह से उनका दोबारा इजलास होना, उसके बाद फैसला करेंगे क्या हो सकता है तो उसके बारे में। उसके बाद लाहौर जो है जिंदा दरान है लाहौर, जैसा कि PSL के अंदर उन्होंने क्राउड फुल किया था, मैं उनके 100% गारंटी देकर कह सकता हूँ कि एक मरतबा फिर जो है जिंदा दरान है लाहौर टेस्ट मैच को एक मरतबा फिर कजाफी स्टेडियम को अपने तादाद से फुल भरकर साबित करेगा कि लाहौर सबसे पहले नंबर पर मौजूद है क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला, क्योंकि बहुत जुनून यहाँ पर नजर आता है। कराची की बनिस्बत PSL का देखा जाए तो लाहौर के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस क्राउड आया हुआ था जिसका इजहार रमीज राजा साहब भी कर चुके हैं कि लाहौर 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 है, तो ये जो है बहुत अच्छी साइन आ रहे हैं हमारे लिए। और इसके बाद देखना ये कि क्या ये पाकिस्तान जो टेस्ट मैच चल रहा है इसको अपने बोर्ड कितना स्कोर बना सकते हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है 450 रन जो है बनाएगा पाकिस्तान, इतना अच्छा टारगेट स्कोर हो जाएगा। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी उनकी बैटिंग में कोई कमी नहीं है, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर यहाँ पर मौजूद है और 600 बनाए 700 जितने बनाए वो टारगेट को चेस कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप दिन चल रहा है तो बताएंगे कल इसकी दोबारा अपडेट कि पाकिस्तान ने पहले दिन स्थान पर कितना बनाया था। कल का दिन थोड़ा रिम झिम भी हो सकती है लेकिन इतना ज्यादा असरअंदाज नहीं होगी, लेकिन बेस्ट विशेष इस हमारे पाकिस्तानी टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम साथ है कि कल का दिन भी इसी तरह गुजरे जिस रात गुजर है बगैर बारिश के। इंशाल्लाह इस मैच का नतीजा भी आएगा और बड़ा अच्छा नतीजा आएगा जो भी आएगा। पाकिस्तानी टीम इस वक्त मेहनत कर रही है और बहुत ही अच्छे स्टैंड लेकर जा रही है, अब देखना ये
ये ओपनर कहां तक जा पाते हैं, यही थी आज की क्रिकेट की न्यूज। अपने प्यारे दोस्त तारिक महमूद को दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पहली मरतबा है सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। तारिक महमूद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।